और उत्तराखंड बीजेपी के बचे उम्मीदवारों की लिस्ट कब आएगी, दूसरी लिस्ट आने में देरी क्यों हो रही है, इन तमाम सवालों के जवाब दिए गए देहरादून में बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बहुत सी बातों को लेकर बयान दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पत्रकारों को कई अहम जानकारी दी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे, ऐसे में लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस जहां 53 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी भी 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में 11 सीटों को लेकर अभी भी इंतजार है। इस बीच देहरादून पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह साफ कर दिया कि जल्द ही सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी में जिस पॉलिटिकल पार्टी जीतने का संभावना दिखता है, पक्का हो जाता है, उसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा लोग एस्पिरेंट रहते हैं। जब ज़्यादा लोग एस्पिरेंट रहते हैं, प्रत्याशी ज़्यादा लोग हो जाता है, थोड़ा कुछ रहता है। लेकिन हमारे सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश के और कई हमारा प्रमुख बाहर के जो प्रमुख नेता उत्तराखंड में जिन लोगों का संपर्क है, वो सब लोग लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम एकदम सुचारू रूप से निपट जाएंगे। साथ ही जोशी ने वो वजह भी बताई जिसकी वजह से बचे हुए 11 उम्मीदवारों को घोषित करने में देरी की जा रही है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक तो रणतंत्र रहता है, कार्यसूची रहता है, स्ट्रेटजी रहता है। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तैयार है। लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है, वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के भाई रिटायर्ड जनरल विजय रावत के चुनाव ना लड़ने की वजह पर भी प्रतिक्रिया दी। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उनके भाई कर्नल विजय रावत जी हमारी पार्टी में आ गए और उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर सैनिकों के बीच में, आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में वो जनरल रावत जो चाहते थे, वो उस सपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी का प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियां अपने पत्ते धीरे धीरे साफ कर रही हैं। ऐसे में बचे हुए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट भी बीजेपी की तरफ से जल्द ही जारी करने की बात कही जा रही है। चुनाव जीतने का दावा पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से लगातार किया जा रहा है। देखना यह है कि कब तक बीजेपी के बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट साफ होती है और जनता किसका साथ देती है। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक।